नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने कांग्रेस नेता अलका लांबा पर उन्नाव एसपी से कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव जनपद के चर्चित माखी रेप मामले में आरोपित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरोपित कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई पर एक अपने ट्विटर हैंडल से फर्जी ट्वीट किया, जिसको आज लेकर आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने कांग्रेस नेता अलका लांबा पर उन्नाव एसपी से कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरोपित कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई पर फर्जी ट्वीट किया था। आरोपित विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी ने मानसिक प्रताड़ित किए जाने का लगाया आरोप। आरोपित सेंगर की बेटी आज उन्नाव एसपी के पास शिकायत पत्र दिया है। वहीं अलका लांबा के खिलाफ पुलिस अधीक्षक उन्नाव ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। मकसद था, कप्तान को प्रार्थना पत्र दिया है, किस मामले में दिया? अलका लांबा जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे पिता की जमानत मिल गई है और साथ ही में कुछ आपत्तिजनक शब्द भी इस्तेमाल किए थे। मैं बताना चाहती हूँ कि जमानत किसी और की हुई है और हमने ऐसी कोई जमानत डाली ही नहीं थी। और अलका लांबा जी फेक न्यूज़ जो फैला रही है उसकी वजह से जो नीचे कॉमेंट्स आए उसकी वजह से मेरी बहन, मैं, हम सबको जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है इसकी वजह से मैं कप्तान साहब के पास आई थी प्रार्थना पत्र लेके कि उन पर कार्रवाई की जाए ताकि आगे से कोई भी बिना जाने बिना सोचे कुछ भी ना लिखे हमारे बारे में। और ऐसी कोई बेल अभी तक डाली नहीं गई है, हमारा मामला अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस लगातार पॉलिटिक्स कर रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, क्या जिस तरह से अलका लांबा का पूरा बयान आया? सर, ये पूरा केस शुरुआत से लेके अभी तक एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी ही रहा है। जैसे ही ये लोग देखते हैं कि मामला शांत हो रहा है, कहीं ना कहीं से लाके कोई झूठ तथ्यहीन बातें अपने ट्विटर हैंडल से फैलाना शुरू कर देते हैं। हम लोग आज तक शांत रहे, अजीबोगरीब चीज़ें लिखी जाती हैं, अपशब्द लिखे जाते हैं मुझे, मेरी बहन को, मेरी माँ को, लेकिन अब बहुत हो गया। अब इसीलिए मैं एसपी साहब के पास आई थी कि अब से जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। कप्तान सर, आज एक मैं थी और एक एप्लीकेशन दिया है, किस तरीके का मामला है और क्या शिकायत लेकर आई थी आपका? देखिए, एक महिला है, उन्होंने शिकायत की कि दो ट्विटर हैंडल हैं, एक @ लांबा अलका और दूसरा @ धारणा पटेल कैपिटल INC, इससे उनके परिवारजनों के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की गई है। इस संबंध में उन्होंने शिकायत की थी। इस संबंध में हम लोग थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।